बहुत ज्यादा। लगता है तुम में पेरी जैसी तवाना ही नहीं रही। मैं शर्मिंदा हूं मालकिन, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रिफत बीबी को जहां रखा था वो मेरा बड़ा महफूज ठिकाना है। मेरे ग्रोह के सिर्फ चंद आदमियों को उसका पता था। फिर भी पुलिस वहां पहुंच गई और तुम और तुम्हारे आदमी चूहों की तरह वहां से भाग गए। मालकिन ये बहुत अचानक हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वहां किस तरह से पहुंची। मुझे शक क्या ये मुखबरी किसी अंदर के बंदे ने की है। बकवास मत करो, तो तुम्हारे आदमियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं मालकिन, वो मेरा नहीं आपका कोई आदमी था। क्या बकवास कर रहे हो? इस काम के बारे में हवेली में या तो मैं जानती थी और या फिर रहीम गुल तीसरे किसी आदमी को पता नहीं था। ये मुझे नहीं पता मालकिन, लेकिन ये खबर थाने में मौजूद मेरे बंदों ने दी है। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, या तुम अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हो? अगर तुम्हारे उन दो आदमियों को ठिकाने ना लगाया जाता तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मुश्किल में आ जाते, पता है तुम्हें इस बात का? मेरे लिए अब क्या हुक्म है मालकिन? एएसपी हुमायूं बहाल हो गए, तुम्हें अब मोहतात रहना होगा। जी, कल मुझे मिली है इसकी खबर। ये तो बहुत अच्छा है कि वो वापस आ गया है। अभी तो बहुत कर्ज बाकी है। अपने कर्ज बाद में उतारना, अभी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। 27 को मेरी पोती का निकाह है सादगी के साथ। 27 तारीख को तुम और तुम्हारे आदमी हवेली के आसपास रहेंगे। रिफत या उसका कोई आदमी नजदीक नहीं आना चाहिए। जी मालकिन, ऐसा ही होगा। वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाह की रस्म अदा होने के बाद तुम्हें अपना कर्ज चुकाने की पूरी आजादी होगी। अपनी जान का सदका दे देना सुल्तान। मालिकन तुमसे बहुत नाराज है। हो दिल दिया खे लग गया जे इश्क प्याला पीता होर सबक ना पढ़िया कोई यार यार ही कीता हो यार यार ही कीता। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे आबिद के बारे में बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? मैं तो आबिद के बारे में तुम्हें पहले सब कुछ बता देती। अगर वो फरसाना आंटी आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे बात ही नहीं करने दी। नज़ात, तुम मुझे अब बता सकती हो हुआ क्या है? हनी, वो आबिद अच्छा इंसान नहीं है।
मैं कंफ्यूज थी पहले कि तुमने मुझे खाई से गिरने से बचा लिया। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं मानू। आपने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, नौकरी का लालच दिया, शादी का लालच दिया, और सच्ची बात तो यह कि मैं भी लालच में आ गई थी। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैंने इनकार भी किया था। और उस इनकार के बदले अम्मा जानी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे मारा और कैद कर दिया। उस कैद में मैं इनकार की सजा भुगतती रही। ओह, शायद इसीलिए पीजा ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तो अब क्या करोगी मानू? कोई और रास्ता भी तो नहीं, कैसे जान छुड़ाओगी इससे? इनकार का नतीजा तुम भुगत चुकी हो। इस बार इनकार किया तो अम्मा जानी मुझे जान से ही मार देंगी। तो फिर अब क्या करोगी? दो ही ऑप्शन, या तो जान दे दू या इस हवेली को छोड़ दू। खुदकुशी बुजदिल लोग करते, तुम्हें मुकाबला करना होगा मानो। यहां से निकल कर जाओगे भी कहां? पीजा के खौफ की वजह से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तो जमीन की गहराइयों से भी निकाल कर ले आएंगे। तुम्हारा कोई दोस्त भी तो नहीं है जो तुम्हें यहां से निकाल कर लेके जाए? सर, मेरा एक दोस्त है। क्या? तुम्हारा दोस्त और लड़का? हाँ, उसका नाम अदील है। अदील मेरा दोस्त ही नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी है। वो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मानो, ये सब कुछ कैसे और कब हुआ? सब ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।